नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दोपहर से कई सारे मीडिया चैनल्स ने ये खबर चलाई थी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के किसी नेता ने या कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है आर्यन खान के केस में। अब इस तरह की ये जो जानकारी चलाई, ये जो न्यूज चलाई कुछ मीडिया चैनलों ने, और उसमें खास करके लुटेंस मीडिया चैनल ये ज्यादा थे, ये पूरे विषय की पूरी हकीकत और सही हकीकत हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे, पूरी हकीकत बताने जा रहे हैं इस एपिसोड में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही पर्सपेक्टिव से ये पूरी जानकारी समझ सकें कि ये मादरा क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो पूरी जो कहानी चलाई गई है कई मीडिया चैनल्स पर, कई क्षेत्रीय मीडिया चैनल्स महाराष्ट्र के, जैसे कि वहाँ के मराठी चैनल्स या फिर कुछ और हिंदी चैनल्स, कुछ इंग्लिश चैनल्स, इन्होंने पूरी जानकारी आप तक पहुँचा नहीं पाए, या शायद पहुँचानी नहीं चाहिए, या शायद उन तक भी पूरी जानकारी नहीं पहुँची। ये सभी लोगों ने भारत के न्यायालयों को शायद मछली बाजार समझ कर रखा है, जो मन में आया बोल दिया। कहते हैं, बाद में शाम को खबर आई कि किशोर तिवारी नाम के कोई शिवसेना के नेता हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने एक याचिका दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस विषय में कि आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जब जानकारी मीडिया चैनल में आई तो ये भी पूरी हकीकत नहीं है। इसकी पूरी हकीकत हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं, इसीलिए खास हम रात में इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि इस बात को लेकर के कई सारे मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं, एक वातावरण बना रहे हैं, जैसे कि जो कल न्याय का आदेश होने जा रहा है न्यायपालिका का, स्पेशल कोर्ट का, आर्यन खान के मैटर में, कि उसमें उसे जमानत दे दी जाए, उसे जमानत मिल जाए, लेकिन इस तरह का कुछ होने वाला नहीं। देखिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जा सकता है, जिसे हाईकोर्ट जाना है उसे भी आजादी है, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, ये किसी प्रेशर में नहीं आने वाले जब तक वहां से कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं आता किसी स्टे का या किसी और चीज का। और आपको बता दें कि इस सारे विषय में सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेने वाला, कोई दखल नहीं देने वाला, क्योंकि उनके जो अधिकार है उस हिसाब से वो पहले तो इन किशोर तिवारी को आदेश देंगे कि आप वहां के उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट में आप पहले अर्जी लगाएं, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, वो भी तब का सवाल आता है जब ये खुद अग्रीव्ड हो। उन्होंने किस तरह के ये जो दावे किए हैं उसके अंदर, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, हमें अपने सूत्रों से काफी सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने वहां पर कोई याचिका दायर नहीं की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक पिटीशन लेटर फाइल किया है, भेजा है, यानी उन्होंने पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को या उनके चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये वहां पर एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं, खुद एक सेलिब्रिटी है, वगैरह वगैरह। और ये जो समीर वानखेड़े हैं वहां के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, इनकी जो पत्नी है ये भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है और ये लोग इनके कॉम्पिटिटर हैं, इस वजह से ये समीर वानखेड़े इन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसमें टारगेट करने का सवाल आया कहां से? समीर वानखेड़े अपना काम कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, उन्हें जब खबर आती है कि यहाँ एक रेव पार्टी होने जा रही है तो क्या उनका काम नहीं है वहां जाके तहकीकात करना, सब पता करना, और अगर वहां पर कुछ है तो उनके सर्च कैरी आउट करना, और अगर सर्च कैरी आउट की, जांच की, सर्च किया और उन्हें कुछ वहां पर मिला, कुछ पाया गया, तो क्या वो कार्रवाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है, किसी बॉलीवुड स्टार का बेटा है, तो क्या वो छोड़ देंगे? ऐसा क्या उन्हें कानून में अधिकार है? क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है तो वो नौकरी से रिजाइन करके घर में जाके बैठ जाएंगे? क्या राजनीतिक नेता महाराष्ट्र के जो हैं, जो सत्ता में, वो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि शाहरुख खान का बेटा वहां पर पाया गया और उसे उसकी जब जांच की गई तो उसके व्हाट्सएप चैट में जो भी कुछ पाया गया उसे छोड़ देना चाहिए था, ड्रग कार्टेल्स के साथ, ड्रग डीलर्स के साथ उनके
कनेक्शन एनसीबी को दिखाई दिए। ये उसके साथ में जो अरबाज मर्चेंट थे उनके द्वारा ये पूरा कनेक्ट करते थे, ये चैट खुद भी करते थे, ऐसा एनसीबी का दावा है। और ये सब चैट्स एनसीबी ने स्पेशल कोर्ट यानी जो सेशन कोर्ट है मुंबई का, उसमें जो स्पेशल कोर्ट है एनडीपीएस का, उनके सामने जहां पर इनकी जमानत याचिका की सुनवाई हो रही है वहां पर उन्होंने वो पूरी जानकारी रख दी है। उसके बाद कोर्ट ने इस मैटर को आगे की तारीख दे दी और कहा कि आर्गुमेंट्स क्लोज, गेट फॉर जजमेंट, गेट फॉर ऑर्डर। अब कल 20 तारीख है, उसका आदेश आने जा रहा है और वो आदेश 99.99% ये है कि ये जमानत की याचिका खारिज होने जा रही है, यानी जमानत की इनकी अर्जी शायद खारिज होने जा रही है। इन्हें जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें एनसीबी आगे भी काम कर रही है, उन्हें दो आरोपियों का पता चला है जो कि बिहार के जेल में बंद हैं, जिनके साथ इनका संपर्क हो रहा था, यानी ये अरबाज मर्चेंट और ये आर्यन खान। और आर्यन खान ने तो खुद ही कबूली जवाब दिया है, वो 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। अब 4 साल से जो इंसान ड्रग्स ले रहा है उसके लिए सुनील शेट्टी आकर के कह रहे थे कि वो तो छोटा बच्चा है, अब 23 साल का बच्चा है जिसे मतदान करने का अधिकार है, 18 साल कंप्लीट होकर उसे 5 साल हो चुके हैं और वो बच्चा है। 800-900 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, उसमें से कुछ उसके माता पिता ने किए होगी, तब वो बच्चा नहीं था, वो अचानक बच्चा हो जाता है क्योंकि वो इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है ना। तो इस तरह के वहां की बॉलीवुड है और वो बॉलीवुड के तो क्या कह रहे हैं आप तो जानते हैं, संसद के अंदर खड़े होके एक सेलिब्रिटी के पति ने या पत्नी ने क्या कहा था, थाली में छेद। अब थाली में छेद है, बॉलीवुड तो मुझे पूरा छेद ही छेद नजर आ रहा है। क्या करण जौहर उनके वीडियो चल रहे थे, वो और बात है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। दीपिका पादुकोण उनकी तो बात ही पूरी खुली है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के उस यूनिवर्सिटी में खड़ी हो गई थी। तो इस तरह का ये बॉलीवुड है, हम बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, बॉलीवुड के वो लोग जो इसे खराब कर रहे हैं, इसका इमेज खराब कर रहे हैं, इसे एक एंटी इंडिया इमेज दे रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ है। वो लोग भारत का कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए लेकिन बुरा तो कर ही रहे। युवा पूरी पूरी नष्ट हो रही है, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, उनके लिए कितने रिहैब सेंटर बनाए, क्या सिर्फ इन्हें ड्रग्स लेने की आदत लगाई है। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दायर हुआ है, कथाकथित मामला, वो सिर्फ एक लेटर लिखा गया है, एक चिट्ठी लिखी गई है और कोई जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान ले और इमीडिएटली ले। वो जब भी चाहे उसे पढ़ेंगे, जब उन्हें मौका मिलेगा, जब समय मिलेगा। उनके पास ऐसे कई सारे पत्र आते रहते हैं, क्या रोज के रोज वो हजारों लाखों पत्र पढ़ते बैठेंगे? एक दूसरा, वो पढ़ने के बाद हो सकता है कि उन्हें एक जवाब दे दें वो जो किशोर तिवारी हैं वहां के महाराष्ट्र के नेता, कि आप ये सब विषय में बॉम्बे हाईकोर्ट में आप अप्रोच करिए, आप वहां जाइए, आप वहां बात कीजिए। खैर, ये खुद तो डायरेक्टली अग्रीव्ड नहीं है, इनकी शिकायत है एक अधिकारी के खिलाफ और वो अधिकारी के खिलाफ ये संबंधित मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिख सकते थे, नहीं लिखा। पहले उन्होंने वहां लिखना चाहिए और वहां पूरी छानबीन होगी, छानबीन होने के बाद में तय किया जाएगा कि इस तरह का कोई ऑफेंस है जो कि ये अधिकारी कर रहे हैं समीर वानखेड़े, जो कि प्राइम ऑफिस ही नहीं दिखता कि कोई ये कर रहे हैं। जिस तरह के आरोप उनके ऊपर वहां के नेताओं ने लगाए थे, नवाब मलिक वगैरह, कि ये जो है इन्हें पंच बनाया गया, 3, अरे उन्हें 30 में बनाया जाए उस बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, वो उनके जान पहचान के हैं। अब उन्हें पता है कि ये प्रॉपर कैरेक्टर के हैं, देश के हित में काम करने वाले हैं, एक्स आर्मी यानी एक्स डिफेंस पर्सनल हैं और ये देश के हित में जरूर काम करेंगे और ये अपना बयान बदली नहीं करेंगे न्यायालय। तो क्या गलत आदमी को लिया समीर वानखेड़े ने? उनका सम्मान किया था ये जो मिलिट्री की एक्स आर्मी मैन की जो फाउंडेशन है उन्होंने, वहां पर ये पहली बार हुआ कि किसी पुलिस ऑफिसर का सम्मान किया गया। इनके जो भी जान पहचान है उन्होंने ये भी कहा था कि हम फौज में इसके लिए भर्ती हुए थे क्योंकि हम देश के हित में सेवा करना चाहते थे, देश के लिए सेवा करना चाहते थे और उसके लिए इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है समीर वानखेड़े जी ने और काफी सारा हमें सपोर्ट भी दिया है। तो इस तरह के नेचर और कैरेक्टर के आदमी को क्या पंच नहीं बनाना चाहिए? कौन से कायदे में लिखा है? महाराष्ट्र के एक मंत्री उतर करके महाराष्ट्र साफ होना चाहिए इसके लिए एनसीबी के साथ खड़े होने के बजाय उल्टा एनसीबी के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे, तथ्य नहीं है कुछ उनके आरोप।
कोई प्राइमा फेसी तो कोई तथ्य नहीं दिखाई देता। तो ये जिस तरह की वहां के महाराष्ट्र के कुछ नेताओं की मानसिकता है कि वो जनता को भी, जनता की अदालत को भी मछली बाजार समझते हैं और न्यायपालिका को भी मछली बाजार समझते हैं। हम जानते हैं न्यायपालिका वहां की कैसी है, क्या है, ये आज पूरी दुनिया जानती है, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं कि ड्रग्स ही है जहां से टेरर फाइनेंसिंग होती है, आतंकवादियों को पैसे वहीं से प्राप्त होते हैं सब हथियार खरीदने के लिए और पूरी ट्रेनिंग उन्हीं पैसों से दी जाती है। इसके लिए एनआईए को भी अधिकार दे दिए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे विषयों में जांच करने के लिए, क्योंकि ये पूरे जो ड्रग्स का विषय है ये पूरा टेरर रिलेटेड है, टेरर लिंक्ड है वेरी डीपली, काफी गहरे हद तक। इसमें आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वो जो दो आरोपियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, उन्हें बिहार से मुंबई लाया जाएगा। इसकी जांच बहुत आगे तक जाने वाली है। ये ड्रग्स पाकिस्तान और ईस्ट पंजाब बॉर्डर, यानी हमारा जो पंजाब है भारत का, उस बॉर्डर से या तो अंदर लाए जाते हैं या फिर राजस्थान और कच्छ द्वारा या फिर नेपाल बॉर्डर द्वारा। कहाँ से लाए जाते हैं, किस तरह से आते हैं, क्योंकि ड्रग्स पूरी पैदावार है अफगानिस्तान की, जिस पर अब पाकिस्तान ने आईएसआई द्वारा और तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। वहां पर मुंबई में बैठे हुए जितने जस्टिस हैं हाईकोर्ट में, जितने सेशन कोर्ट में जजेस हैं और जो नीचे उनके मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं, ये सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी नजर है। इस तरह के केसेस पर कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई ऐसा गलत आदेश नहीं देंगे जो कि ये जो जांच है इस पर किसी भी तरह का गलत असर पड़े या किसी भी आरोपी के बाहर आने से कोई भी सबूत नष्ट हो या किसी भी तरह का सबूत के ऊपर या किसी भी विटनेस के ऊपर या किसी भी पंच के ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस आ सके। तो इसकी पूरी खातरी सेशन कोर्ट में जो विशेष न्यायालय है, स्पेशल कोर्ट है एनडीपीएस कोर्ट, वहां के जज जरूर लेंगे, इसकी हमें पूरी पूरी खातरी है। और वैसे भी ये पंच हो या ये जजेस हो या ये जो ऑफिसर हो जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरे अपराइट एंड परफेक्ट कैरेक्टर के लोग हैं। कानून के दायरे में रह के हर चीज परफेक्टली करना इन्हें बखूबी आता है और ये काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं पूरे देश के सामने। उन्होंने इस बॉलीवुड का पूरा कच्चा चिटा खोल दिया है और कितने सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सब में और कोई नेता या उनके कोई रिश्तेदार अगर इसमें शामिल हैं तो वहां तक भी ये जरूर पहुंचेंगे, इसकी हमें पूरी पूरी खातरी है। ये पूरे इस विषय के तह तक पहुंच करके पूरी सच्चाई देश की जनता के सामने जरूर लाएंगे, इसकी भी हमें पूरी पूरी खातरी है और हमें इनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। अगर महाराष्ट्र के किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के नेता, तो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो चाहे कोई और राज्य हो भारत का, उसमें किसी भी नेता या उनके बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट या उनके किसी घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे भी दे विल ब्रिंग टू द बुक यानी रिकॉर्ड पर लाएंगे और जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करेंगे, इस विषय में हमारी पूरी खातरी है। समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी जब तक हैं तब तक कानून सही रास्ते से काम करेगा और देश के हित में पूरी पूरी तरह से परफेक्टली काम करेगा, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है, हमें पूरी पूरी खातरी है। हमने जो आपको जानकारी दी इस वीडियो में वो आपको कैसी लगी वो जरूर आज आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और अगर आपने इस हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का बटन है स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो सभी एपिसोड की जानकारी तुरंत तुरंत प्राप्त हो और आप नोटिफिकेशन मिलने के बाद हमारे वीडियो को देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। अगर आपको किसी और विषय में जानकारी की जरूरत हो तो आप हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने पूरी पूरी जानकारी पेश करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।